नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बेहतरीन सवाल और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने सवाल पूछा था कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो इसका सही जवाब होगा बुध ग्रह। दोस्तों बुध ग्रह जो है वह सिर्फ 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। पहला सवाल है भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? दोस्तों जून 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 8338 रेलवे स्टेशन हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल का हावड़ा जंक्शन है। इस स्टेशन में 23 से अधिक प्लेटफॉर्म, 26 ट्रैक और 2 टर्मिनल हैं। वहीं बात करें सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की, यह गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 1366.4 मीटर है और यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तीसरा प्रश्न है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह नदी अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट देशों में बहती है। इसकी लंबाई 4132 मील यानी कि 6650 किलोमीटर है। यह नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है और अफ्रीका के पूर्वी भाग से होते हुए उत्तर में भूमध्य सागर में मिल जाती है। दोस्तों इजिप्ट यानी कि मिस्र देश को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर है और क्यों? दोस्तों पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने के लिए काफी जरूरी होता है। इससे ये पता चलता है कि आप किस देश के नागरिक हैं। यह किसी दूसरे देश जाने के लिए बहुत ही जरूरी दस्तावेज होता है। अब बात करते हैं सबसे ताकतवर पासपोर्ट की, तो दोस्तों अमेरिकी एडवाइजरी फर्म हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के 2018 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में जापान के पासपोर्ट को सबसे ताकतवर और अच्छा माना गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि पासपोर्ट के ताकतवर होने का मतलब यह नहीं है कि वह देश ताकतवर है, बल्कि यह है कि किसी देश के नागरिक बिना वीजा के कितने देशों में घूम सकते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी देश के पासपोर्ट की पावर का आकलन उस देश के नागरिकों की अलग अलग देशों में वीजा की एंट्री के आधार पर किया गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार जापानी दुनिया के 190 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं, जबकि भारत इस रिपोर्ट के अनुसार 81वें रैंक पर है और भारत के लोग 58 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। पांचवा प्रश्न है टीवी स्क्रीन पर बीचों बीच नंबर क्यों लिखे आते हैं? दोस्तों टेलीविजन पर कोई मूवी या अपना पसंदीदा टीवी शो देखते समय कई बार टीवी स्क्रीन पर छोटे से काले बॉक्स में आपको सफेद रंग में लिखे हुए कुछ अजीब नंबर दिखाई देते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी चैनल पर आने वाले ये रैंडम नंबर्स भला क्यों दिखते हैं? ये नंबर टीवी पर चल रहे किसी भी एपिसोड में देखने को मिल जाएगा, यहाँ तक कि क्रिकेट या फुटबॉल के लाइव मैचों में भी दिखता है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये नंबर हमें क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों दरअसल टीवी पर ये नंबर दिखाने के पीछे ब्रॉडकास्टर का उद्देश्य अपने प्रोग्राम को सुरक्षित करना होता है। आइए जानते हैं कैसे। टीवी स्क्रीन पर आने वाले ये नंबर्स 8 डिजिट के होते हैं जिनमें नंबर्स और अल्फाबेट्स मिक्स होते हैं। ये नंबर पूरी तरह से यूनिक होते हैं और इसे आपका सेटअप बॉक्स सिर्फ आपके लिए जनरेट करता है। दोस्तों कुछ लोग टीवी प्रोग्राम या लाइव मैच को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल देते हैं या उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, ऐसे में ये नंबर भी उसके साथ ही रिकॉर्ड हो जाते हैं। इन नंबरों को देखकर ब्रॉडकास्टर आसानी से पता लगा लेता है कि ये नंबर किस सेटअप बॉक्स से जनरेट हुआ है और उसके द्वारा यूजर्स का नाम, पता सब कुछ मालूम चल जाता है। उसके बाद ब्रॉडकास्टर आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है या फिर आपका सेटअप बॉक्स बंद करवा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आते हैं आपके लिए आज के सवाल पर। आज का सवाल है इनमें से कौन सा स्टेडियम मुंबई में स्थित है? ऑप्शंस हैं ईडन गार्डन स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम या फिर चेपक स्टेडियम। तो दोस्तों अगर आपको इसका जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।